कोहली के फैसले पर बीसीसीआई सचिव जय शाह का ट्वीट सामने आया है, जिसकी जानकारी विक्रांत भी आपको दे रहे थे। उनकी ओर से लिखा गया है, टीम इंडिया की कप्तानी के लिए शुक्रिया। जय शाह ने इस तरह से अपनी बात लिखी है, निजी और कप्तान के तौर पर शानदार संतुलन रहा है विराट कोहली का। तारीफ करते हुए जय शाह यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कप्तान के तौर पर आपका दृढ़ निश्चय अद्भुत है, और इस तरह से उनकी तारीफ भी की जा रही है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, यही जानने के लिए विक्रांत इसी सवाल के साथ आप सनी भाई के पास जाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सनी भाई शायद इंट्रीग या मिस्ट्री नहीं है, लेकिन मैं फिर वही बात जो जय शाह की आई है कि वी हैव अ क्लियर रोड मैप, ये सारी बातें जो मैंने अभी बोली, आपको लगता है कि ये बीसीसीआई और विराट का फैसला है? बीसीसीआई में मैं सिलेक्टर्स को भी रखूंगा, बीसीसीआई सिलेक्टर्स और विराट का फैसला है, ये सिर्फ विराट का फैसला नहीं है? वही तो कोहली ने अपने जो लेटर अभी मैंने पढ़ा था, जो रेजिग्नेशन लेटर था, उसी में कोहली ने भी वही कहा है कि जो उन्होंने सलाह मशवरा किया रवि शास्त्री के साथ, रोहित के साथ, सौरव गांगुली के साथ, जय शाह के साथ, सिलेक्टर्स के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही उन्होंने ये निर्णय ले लिया है। तो मतलब ये सिर्फ उन्हीं का निर्णय नहीं, आखिरी निर्णय तो उन्हीं का होता है, पर सबके साथ बैठ कर ये उन्होंने जो निर्णय लिया है। और शायद उसमें जो ये चर्चा चल रही थी 6 महीने से, तो 6 महीने में उनको थोड़ी सी मतलब एक हिंट आई होगी कि जो T20 की कप्तानी है, जो वाइट बॉल की कप्तानी है, उससे बीसीसीआई और सिलेक्टर्स शायद संतुष्ट नहीं है, और शायद उनको अब वो जगह छोड़कर और किसी को वो मौका देना चाहिए कप्तानी का, शायद इसी की वजह से उन्होंने ये निर्णय भी लिया होगा। और यहीं पर वाइट बॉल दोनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान, इज दिस द वे फॉरवर्ड कि आपके T20 के कप्तान अलग होंगे, वनडे के कप्तान अलग होंगे, या फिर आपको लगता है कि ये भी आने वाले वक्त में एक अलग ही रोड मैप लेकर आएगा? यही तो है, उसी खत में जिस तरह से वो लिखा है कि मैं टेस्ट और वनडे क्रिकेट एक कप्तानी करता रहूंगा, मतलब ये तो सिलेक्शन कमेटी का निर्णय है नहीं जी, वो उनका निर्णय है, सिलेक्शन कमेटी को ही निर्णय लेना होगा कि क्या वाइट बॉल के भी क्या वही कप्तान होंगे। अब टेस्ट के लिए कोई दो राय नहीं, जिस तरह से इंग्लैंड में श्रृंखला भारतीय टीम ने जीती है, कोई दो राय नहीं उनकी कप्तानी के बारे में, पर वनडे के लिए क्या सिलेक्शन कमेटी डिस्कस करेगी? आपसे पहले मैं बात कर रहा था कि सिलेक्शन कमेटी कप्तानी के बारे में, तो मतलब कप्तान की जो अपॉइंटमेंट होती है उसके बारे में बहुत, मतलब पिछले 3-4 सालों से हमने कभी सुना ही नहीं कि कप्तान के लिए एक अलग मीटिंग होती है, बिल्कुल फटाक करके वही कप्तान बने हैं। और क्या इस बार 50 ओवर्स के लिए, T20 का तो अभी निर्णय हो गया, अब 50 ओवर्स के लिए क्या चर्चा होगी यह हमें देखना होगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक बार चूंकि विराट कोहली ने अब तक जो योगदान दिया है लगातार, मैं चाहूंगी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप दिखाइए कि किस तरह का कंट्रीब्यूशन भारतीय टीम की क्रिकेट के लिए रहा है विराट कोहली का, जिसके लिए उनको याद भी किया जा रहा है। टेस्ट में इंडिया को नंबर वन बनाया, टेस्ट टीम की कप्तानी वो लगातार करते रहेंगे। खुद विराट कोहली की ओर से ये कहा गया है, विराट की अगुवाई में 23 गेंदबाज तैयार हुए जिसने हिंदुस्तान को एक नई धार और रफ्तार देने का काम किया, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक टीम को पहुंचाया। हालांकि टीम इंडिया जीत नहीं पाई, यकीनन यहां पर थोड़ी मायूसी जरूर हाथ लगी थी। पहले ही टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचा दिया था विराट कोहली ने, लेकिन 2019 के बाद विराट कोहली के बल्ले से शतक नहीं निकला है। 2019 सेमीफाइनल की हार को छोड़ दें तो टीम दबंग दिखी थी, ये बातें भी उनके बारे में कही जाती हैं। एक अलग तरह का आत्मविश्वास देने का काम विराट कोहली की ओर से किया गया है। लेकिन यहां पर मैं मदन जी सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि श्वेता ने भी इस बात का जिक्र किया कि अब रोहित नहीं तो फिर दूसरा नाम कौन, और हम सब जानते हैं कि क्रिकेट में एक उम्र को लेकर भी चला जाता है, क्योंकि 34 साल के रोहित शर्मा, 1 साल छोटे उनसे विराट कोहली, 35-36 साल तक की ही एक उम्र देखी जाती है, उसके बाद बहुत सारे क्रिकेटर्स को हम सब ने रिटायरमेंट के लिए आगे जाते हुए देखा है। तो क्या आपको लग रहा है कि रोहित शर्मा को यह अहम जिम्मेदारी आप सौंप दी जाएगी, या रोहित शर्मा अगर नहीं तो फिर क्या किसी और नाम पर भी चर्चा चल रही होगी? देखिए अभी तो मेरे विचार में ये नहीं है कि किसी और के नाम पे चर्चा चलेगी, क्योंकि रोहित शर्मा ही हो गए 2020 के कैप्टन, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन रहा है IPL में मुंबई इंडियन की तरफ से काफी अच्छा रहा है, और उनको रोड मैप की जो बात कर रहे हैं जय शाह ने की है, उसके उनका यही दर्शाता है कि रोड मैप के अंदर जो है जो रोहित शर्मा है वो बिल्कुल आता है, क्योंकि देखिए उसको विराट के साथ वो रोहित शर्मा
वाइस कैप्टन थे 2020 के, और वो करते उनके साथ वो उनको काफी एक्सपीरियंस भी हुआ होगा उसके साथ, विराट कोहली के साथ। तो अभी तक तो जो है मैं समझता हूँ कि किसी के नाम पे चर्चा नहीं होगी, सिर्फ इसी के नाम पे चर्चा होनी भी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं, और रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया जाएगा। पर सनी भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की कि 50-50 ओवर का जो जो कैप्टन की अनाउंसमेंट होगी, वो क्या सिलेक्टर कौन से क्या डिसीजन लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। पर यह है कि अभी तक तो विराट कोहली ने टेस्ट मैचेस और 50 ओवर में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, ठीक है उन्होंने आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीत पाए, पर देखिए उन्होंने एक टीम बिल्ड भी की है। ये बड़ा जरूरी होता है कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ हो, आप एक अपनी टीम को ऐसा बना दें जो कि जीतने की क्षमता रखती है, और उनके हर जो पहलू है बड़े ध्यान से देखा जाए, पेस बॉलर या स्पिनर या बैट्समैन जो सबको एक ऐसा ऐसा किया जाए जिससे कि आप जीत सकें। तो वो एक टीम बिल्ड करने में मैं समझता हूँ कि विराट कोहली का भी काफी बड़ा हाथ रहा है, पर कैप्टन 2020 का रोहित शर्मा ही। चित्रा मुझे लग रहा है कि उनकी कप्तानी भी एक फैक्टर था, क्योंकि जब आपके पास विकल्प नहीं होता तो आप चलते रहते हैं, और विराट ने ऐसा नहीं है कि जिताया नहीं है भाई। फिर वही बात है, अगर आप आंकड़े आप स्क्रीन पर डालेंगे बायलैटरल क्रिकेट, विराट के नंबर्स आउटस्टैंडिंग है।